मैं आज अभी छत पे आई थी और ये देखो वाइट कबूतर कितना खूबसूरत लग रहा है यार। मैंने सुबह सुबह बड़ा अच्छा एक वो देखा है, मैं दिल खुश हो गया मैं इसको देख के। तो मैं बस देख रही थी तो मैंने काफ़ी देर Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. और मैं अभी क्या छत पे आई थी तो मुझे मालूम नहीं था कि वाइट कबूतर इधर बैठा हुआ है। तो मैंने ना मैं क्या है उधर की साइड जाती हूँ हमेशा, मैं आपको बता रही हूँ उधर की साइड। तो आज मैं नहीं गई उधर की साइड, मैंने कहा चलो इधर आए क्योंकि उधर क्या है हम नाच वगैरह फैलाते हैं गेहूँ वगैरह पक्षियों के लिए। तो उधर क्या है बहुत सारे कबूतर आते हैं, मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में, तो उधर ही आते हैं। तो मैंने सोचा उधर नहीं जाना यार, उड़ जाएंगे वो, नहीं खा पाएंगे और डर जाएंगे कि भाई कौन आ गया। और तो इसीलिए फिर मैं इधर आई तो वाइट कबूतर देख के मेरे को इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंड ठंडी हवा चल रही है और मेरे हस्बैंड और बच्चे भी ऑफिस जा चुके हैं। ऐसे ही सुबह सुबह में फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना घूम आऊँ या चाय वाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। पर मैं अभी मैंने सोचा पहले मैं घूम के आती हूँ फिर चाय वाय बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो घूमते हैं सुबह सुबह में। Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down. आप फैले हुए देख रहे हो ये गेहूँ, यहाँ पर हम है ना सुबह में एक डेढ़ किलो अनाज फैलाते हैं पक्षियों के लिए, स्पेशली पक्षियों के लिए। तो यहाँ पे गिलहरी कबूतर आके खाते हैं, देखो ये बैठे हुए हैं आपको दिख रहा है। मैं अभी इधर की साइड आ गई हूँ इसलिए ये चले गए, और आपको उधर दिख रहा होगा देखो सब खा रहे हैं। सुबह इतनी ठंडी हवा होती है ना कि अच्छा लगता है घूमने में भी। ये देखिए मैं कह रही थी ना मैं इधर आ गई हूँ इसकी वजह से वो नहीं खा रहे, देखो अब ये सारे उड़ उड़ के वहीं पे जा रहे हैं और खाना खाने के लिए। वो अनाज फैला हुआ है ना, मैं गई हुई थी इसलिए वो सारे मतलब इधर बैठे हुए थे, अब वहाँ पर जा रहे हैं वो। अगर मैं उधर बाई चांस चली गई ना तो सारे के सारे एक साथ उड़ने वाले हैं। नीचे चली जाऊँ, नीचे जाके फिर चाय वाय बनाऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं अब नीचे, अब क्या है मैं चाय बनाऊंगी। मैं सुबह में ही आ गई थी, सबको मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं आई गई थी ऊपर कि मैंने कहा चलो ऊपर घूम के आती हूँ, चाबी है मेरे पास। तो आज मैंने है ना क्या है नवरात्रि में जैसे वेट लॉस के लिए सागा जो बनाते हैं वो उसकी रेसिपी मैंने डाल दी है, शायद इससे पहले वो आ जाएगी। और अभी मेरा पता है आपको मैंने बताया ना 67 kg वेट हो गया था, 65.2 आ रहा है। काफ़ी हद तक मतलब 4-5 किलो वेट कम होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस सागर को आप ट्राई करके देखना जो मैं रेसिपी डाल रही हूँ,
तो उससे वास्तव में बहुत जल्दी वेट जाता है। और थोड़ा नमक और शुगर को अवॉइड करोगे तो और जल्दी वेट लॉस होगा आपका। आपको बताया था ना डॉक्टर सालनी की टी पीने से मेरा 65.8 kg वेट हो गया था। आज मैं नवरात्र का तीसरा दिन है और मेरा वेट 64 आ रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। मतलब 1 kg और लॉस हुआ है अभी में मेरा। कुछ भी खास नहीं ले रही हूँ, मैंने कल है ना एक डाइट रेसिपी शेयर की थी, मतलब सागर के रूप में। मैं क्या नमक और शुगर, मतलब सॉल्ट और शुगर दोनों अवॉइड कर रही हूँ और उससे क्या है मेरे को भी काफ़ी ठीक लगता है, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज शायद मैं नहीं करती होती और एकदम से शुगर और सॉल्ट को मैं छोड़ती तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 बार कर चुकी हूँ और मेरा क्या इतना वेट नहीं था। अभी इसी पीरियड के 3-4 महीने के बीच में मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ। मैंने आपको एक बार बताया भी था, मेरे जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे आप, तो मेरा एक बार 55 वेट हो गया था। पर उस बीच में कुछ मैंने भी लापरवाही करी थी, क्योंकि मैं खुद बीमार हो गई थी और मेरे को काफ़ी वीकनेस आ गई थी, तो मैंने मतलब हर तरह की चीज़ खाना स्टार्ट कर दिया था, राइस वगैरह भी मैं काफ़ी खाने लग गई थी, तो उसमें मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया और गेन इतना हो गया कि मुझे खुद को भी पता नहीं चला। और फिर इस बीच में क्या हुआ, मेरे बच्चे हैं, अब जो बच्चे वाले होंगे उनको पता होगा वेट मशीन थी मेरे, मतलब मेरे बच्चों ने इतना देखो वो वेट मशीन को भी नहीं बख्शा, मतलब वो भी उन्होंने तोड़ दी, वो भी उनके लिए खिलौना है एक तरह का। अब मैं क्या है, मेरा 62 था ना, तब तक मैंने सोचा कि मैं चलो वेट को मतलब बैलेंस में ले आऊँगी, मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा क्या है वेट अपना खुद का वेट चेक करती रहती हूँ कि मेरा वेट कितना हो गया, मुझे कितना अब डाइट करना है, अब मेरे को दोबारा इसमें, तो मैं हमेशा अपने वेट को इस तरीके से मेंटेन करके चलती हूँ। अगर मैंने जैसे 4-5 दिन अगर जंक फूड या फिर मतलब ऐसा अटरम खाया है जिससे मेरा वेट गेन हुआ है, तो मैं उस हिसाब से अपने बॉडी में से मतलब उन चीज़ों को निकाल के अपने मतलब वेट को कम करने की कोशिश करती हूँ। उस बीच में ये हो गया कि मेरी वेट मशीन थी नहीं और मतलब मेरा वेट काफ़ी अच्छे से गेन हो गया, इतना अच्छा गेन हो गया कि मेरा 67 पे आ गया। अब मैं वेट मशीन ले आई हूँ, ये अभी लेके आई हूँ मैं वेट मशीन, तो अभी मैंने चेक करना स्टार्ट किया है। पर इसी पीरियड में डॉक्टर सालनी की टी पोटली भी आई, मतलब पोटली टी भी आई थी, तो मैंने सोचा कि ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि इसमें मेरा वेट काफ़ी अच्छा गेन हो चुका है। अच्छा तो नहीं है मेरे लिए, तो बुरा है, पर मतलब काफ़ी हद तक गेन हो चुका है और इसको अब मैं अपने ऊपर ट्राई करूँगी तो शायद इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसका वास्तव में मुझे काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 15 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट भी मिला उससे। और ऐसा नहीं है कि मतलब अभी रिजल्ट मिला है, यहाँ तक कि मैंने सारी डाइटें, मैंने आपको वीडियो में भी आपको बताया था, मतलब जब मैंने इसका रिव्यू दिया था डॉक्टर सालनी की पोटली टी के बारे में, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को फ़ायदा भी मिले हैं उससे, मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियो को। तो सॉरी, तो फिर है ना मेरा काफ़ी मतलब इतना वेट गेन होने के बाद अब मैं मतलब फिर खुद बैलेंस पे आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को फील होता है मेरा टम्मी थोड़ा सा हैवी, मुझे फील होता है कि मैं मोटी हो गई हूँ, वैसे बोलने में बड़ा वो आता है, तो इसलिए मुझे पता है मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं एक बार कर चुकी हूँ तो मुझे इतना डर नहीं है कि ये कैसे होगा, तो क्योंकि मेरा जिद्दी फैट वाला फैट नहीं है, क्योंकि ये 2-3 महीने के अंदर मेरा वेट गेन हुआ है, तो वो जिद्दी वाला जैसे 3-4 साल का जमा हुआ फैट नहीं है, क्योंकि मेरा जब मैंने 55 kg वेट कर लिया था तो वो अभी का जमा है और मुझे पता है मैं उसको कम कर लूँगी और मैं चल रही हूँ। और आज में क्या है, आपको वेट लॉस मिल्क शेक जो जिसमें शुगर नहीं होगा पर आपको काफ़ी यम्मी लगेगा, स्मूदी मतलब काफ़ी टेस्ट आएगा और आप अच्छे से अपना वेट
लॉस कर सकोगी, क्योंकि मैं हमेशा नवरात्रों में डाइट लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डाइट नहीं लेती हूँ, पर डाइट लेने के बावजूद और मैं अच्छे से मतलब हेल्दी भी रहती हूँ, और लेने के बाद फ्रूट जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको इस तरीके से लेती हूँ कि मेरा वेट अच्छे से जाता है। और मुझे नहीं पता कि अब कितना जाएगा, पर मेरा हमेशा 3-4 मतलब 4-5 किलो नवरात्रों में ज़रूर जाता है, और मैं उसको मेंटेन करके रखती हूँ। अब वो बात अलग है कि हम खुद अपने शरीर को बिगाड़ें या अटरम से अटरम खाएँ या फिर मतलब वेट गेन करें, तो जो मेरे से गलती हो गई है तो मेरे को भी लगा यार मैंने क्या कर दिया, ये इतना मतलब कैसे कर लिया। एक तो क्या है, जो इंसान पहले मोटा हो चुका हो ना, तो उसके लिए चुटकियों वाला खेल है ये वेट गेन होना। और जो कभी मोटा ही नहीं हुआ ना बेचारा, वो खा के थक जाएगा ना। तब भी मेरे फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कितना भी खा लेते हैं पर वो मोटे नहीं होते, और हम मैं हूँ ही, मेरा भाई है, मतलब इतने हम बेचारे इतने वो मतलब सूंघेंगे भी ना उससे भी वेट गेन होता है हमारा, तो पर क्या करें यार। मतलब ये देखिए, मैंने जब वेट लॉस किया था ना, तो मैंने 2 साल में बहुत ज़्यादा अपने पे कंट्रोल रखा, और जब जाके मेरा 55 केजी वेट हुआ था, और मेरा 72 से स्टार्ट किया था, सॉरी गाइस 74 से स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे को थायराइड भी था, थायराइड को मैंने उसकी पहले उसकी मेडिसिन ली, उसको ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी फिर मैंने ये वेट लॉस वाली जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मेरा 55 केजी वेट पे गया था। पर इसमें बीच में मेरे से चूक ये हुई कि मेरा एक तो क्या है, मैं बीमार हो गई थी और मुझे खुद को वीकनेस फील होने लगी थी, तो फिर सब कहते थे कि यार तू तो एकदम ऐसी हो गई है कि कुछ जान ही नहीं रही है, तो कुछ तो खाया कर। तो मैंने सोचा चलो 55 केजी वेट है और मेरा मतलब 5'2" 5'4" मेरी हाइट है, तो क्यों ना मैं 5'4" मेरी हाइट है तो मैं क्यों ना अपना वेट थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ, थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, तो उसमें मेरे को वीकनेस भी महसूस नहीं होगी। तो इसी कारण मैं वेट को गेन करने लगी, और मतलब मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले काफ़ी ठीक था, बैलेंस आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से मेरी वेट मशीन टूटी ना, उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं चला, और मेरा वेट इतना जल्दी मतलब गेन हुआ है ना, और वो भी 67 पे जाके रुका है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा वो फिर मेरी वेट मशीन आई, सबसे पहले मैंने अपना वेट चेक किया, मेरे 67 वेट देखकर मेरा दिमाग हिल गया। मेरे को अंदाज़ा सब लग रहा था, क्योंकि मेरा फेस गोल मोल हो रहा था, मेरी गर्दन, यहाँ तक कि मेरे को खुद को भी हमारे अपनी बॉडी में पता चलने लग जाता है कि हम मोटे हो रहे हैं कपड़ों के साइज़ से, तो मुझे काफ़ी फील होने लगा था कि मैं अब मोटी हो रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार मैं वेट मशीन मंगाती हूँ, जिससे क्या होता है मुझे पता रहेगा कि मेरा कितना है और कितना जा रहा है, और मुझे किस हिसाब से डाइट लेनी है, क्योंकि जो इंसान पहले कर चुका है ना, तो उस हिसाब से उसको आइडिया काफ़ी हो ही जाते हैं। तो ये थी मेरे वेट लॉस की जर्नी, और मैं आपको पूरी अपडेट नवरात्रों में, नवरात्रों के बाद मैं फिर दोबारा करके दिखाऊंगी 55, पर ये है कि मैं बैलेंस रखूंगी। मैं है ना 2.5-3 साल मतलब मैंने 2-2.5 साल में बिल्कुल बैलेंस रखा है, बिल्कुल वो नहीं किया, पर मुझे इतना पता है कि जब मैंने इतना कर लिया था तो अभी मैं कर लूँगी, और ये जिद्दी फैट नहीं है, मेरा अभी का फैट है, और मुझे ये जल्दी ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो ये थी मेरी छोटी छोटी बातें, अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है ना तो लाइक शेयर और मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मतलब कैसी लगी मेरी ये बातें और छोटी छोटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और कौन कौन नवरात्रि कर रहा है और मतलब फलाहार पे, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना।